तो हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं हूं नितेश और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक फोर से में। तो दोस्तों, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आप सभी को पता होगा कि पिछली वीडियो में मैंने आप सबको बताया था कि एक यूट्यूबर अपनी वीडियो को कैसे बनाता है। तो उसी में मैंने एंड में बताया था कि आप वीडियो एडिटिंग कैसे कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको प्रैक्टिकली नहीं दिखाया था कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से जो है एक अच्छी वीडियो कैसे एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन से जो है एक अच्छी जो है वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो फटाफट शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम वीडियो एडिटिंग सीखने के लिए काइन मास्टर का यूज़ करने वाले हैं, जो काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है। दोस्तों, आप इस एप्लीकेशन की हेल्प से काफ़ी अच्छी वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। ये प्ले स्टोर पे फ्री में अवेलेबल है, आप इसे डाउनलोड करके इजीली अपनी वीडियो को एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब आप इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी वीडियो का फ्रेम रेट सिलेक्ट करना होगा कि आपकी वीडियो किस फ्रेम की है। आपको अपनी वीडियो के हिसाब से देख लेना है, उसको सिलेक्ट करके आपको क्रिएट पे क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पे आपको अपनी वीडियो को ऐड करना है, जिस वीडियो का आप यहाँ पे एडिट करने वाले हो। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि मेरे पास कोई अच्छा सेटअप नहीं है, इसलिए मैंने ग्रीन स्क्रीन पे अपनी वीडियो को रिकॉर्ड किया हुआ है कि मैं एडिटिंग के सारे उस वीडियो का बैकग्राउंड रिमूव कर दूंगा। तो अगर आपके पास अच्छा सेटअप नहीं है तो आप ग्रीन स्क्रीन यूज कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है कि आपको एक हरे रंग का पर्दा ले लेना है, आपको अपने बैकग्राउंड में टांग देना है और उस पर वीडियो रिकॉर्ड कर लेना है। और रिकॉर्ड करने के बाद आगे क्या करना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे आपको सिंपल से क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी वीडियो के लिए एक अच्छा बैकग्राउंड यहाँ पे ऐड करना है। आप गूगल से इजिली बैकग्राउंड डाउनलोड कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड डाउनलोड करने के बाद सिंपल से आपको मीडिया का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे और आपकी गैलरी खुल जाएगी। वहाँ से सिंपल से आपको ऐड कर लेना है। अब ऐड करने के बाद आपको अपनी वीडियो के ड्यूरेशन के हिसाब से, कितनी लंबी आपकी वीडियो है उसके हिसाब से आपको बैकग्राउंड को भी इंक्रीज कर लेना है, उसका भी ड्यूरेशन बढ़ा लेना है। अब इतना करने के बाद आपको उस वीडियो को ऐड करना है जिस वीडियो को आपने ग्रीन स्क्रीन पे रिकॉर्ड किया हुआ है। यहाँ पे क्लिक करना है और मीडिया पे चले जाना है। यहाँ पे फिर आपकी गैलरी खुल जाएगी और यहाँ से आप जो है उस वीडियो को ऐड कर लेंगे। अब ऐड करने के बाद आप उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है और करने के बाद आपको एक साइड में ऑप्शन बहुत सारे खुल जाएंगे। आपको स्क्रॉल डाउन करना है और वहाँ पे आपको एक क्रोमा की का ऑप्शन मिलेगा। आपको उस पर क्लिक करके ऊपर वाला बटन देखने को मिलेगा, एनेबल कर देना है। जब आप एनेबल कर दोगे तो यहाँ पे जो है आपका बैकग्राउंड जो हल्का हल्का रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पे अच्छी तरीके से रिमूव करने के लिए आपको वहाँ पे बगल में बहुत सारे ऑप्शन जो है देखने को मिलेंगे। आपको यहाँ पे कम ज़्यादा करने का मिल जाएगा। आप यहाँ पे कम ज़्यादा करके देख सकते हो कि कितनी पे जो है आपका वीडियो का बैकग्राउंड रिमूव हो रहा है, कर सकते हो। और इसे और आसान बनाने के लिए सिंपल से आपको एक शो मास्क का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना और ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे एडिट करने में काफ़ी अच्छी लगेगी, आप वहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज कर लोगे कि आपका बैकग्राउंड अच्छे से रिमूव हो रहा है, यानी आप यहाँ से इसके थ्रू अच्छे से रिमूव कर लोगे। तो बैकग्राउंड चेंज करने के बाद सबसे पहले आपको अपनी वीडियो को अपने वीडियो के अंदर फिट कर लेना है। अब इतना करने के बाद सबसे पहले मैं इस वीडियो का जो ऑडियो है मैं ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि इस वीडियो में जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो इस वीडियो का काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ आ गया था, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा शोरगुल चल रहा था। तो मैंने एक सॉफ्टवेयर के द्वारा अपनी वीडियो के अंदर जो भी नॉइज़ आ रहा था ऑडियो में, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से सिर्फ एक ही क्लिक में मैंने रिमूव कर दिया। तो दोस्तों, अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि कैसे मैंने अपने वीडियो के अंदर जो नॉइज़ आ रहा था ऑडियो में उसे कैसे रिमूव किया, तो इसके लिए मैंने एक अपने चैनल पे शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दी है, जाकर आप देख सकते हो। वहाँ पे मैंने आपको बताया बहुत अच्छी तरीके से कि वो कौन सा सॉफ्टवेयर है और आप उस सॉफ्टवेयर की हेल्प से कैसे अपनी वीडियो के ऑडियो में से जो भी नॉइज़ आता है उसे कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं वीडियो एडिटिंग के पहले स्टेप के बारे में, वो है ट्रिम और कट अनवांटेड सीन्स। देखिए दोस्तों, जब हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो कई बार हम वीडियो के अंदर गलती कर देते हैं, तो हम उस सीन को अपने वीडियो के अंदर नहीं रखना चाहते हैं, तो उसे कैसे रिमूव करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे सिंपल से जब आप काइन मास्टर में उस वीडियो को ऐड कर लोगे तो सबसे पहले आपको देखना है कि अपनी वीडियो के अंदर कहाँ से कट लगा कर आपको किस वीडियो क्लिप को रिमूव करना है। आपको एक लाइनिंग जो है देखने को मिलेगी, तो आपने जहाँ पे वीडियो स्टार्ट की हुई है सिंपल से आपको उस लाइनिंग को वहाँ पे लाना है। आप वीडियो को सिलेक्ट करके वहाँ पे लेकर चले जाइए। फिर जाने के बाद आपको उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। अब कर लेने के बाद आपको साइड में एक ट्रिम का ऑप्शन जो है देखने को मिलेगा, सिंपल से उस पर क्लिक कर देंगे और आपको एक ट्रिम लेफ्ट का ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो जो लाइनिंग होगी उस लाइनिंग से जो लेफ्ट साइड वाला होगा वो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा वो वीडियो क्लिप। इसके साथ इस वीडियो का जो ऑडियो है और जो बैकग्राउंड है उसके साथ ही मैं रिमूव कर देता हूँ।
ताकि मुझे बाद में ऑडियो को जो मैच कराने में दिक्कत ना हो। तो दोस्तों यहाँ पे आप इजीली अपने वीडियो के अंदर जो भी चीजें रिमूव करना है आप वहां से कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेकंड स्टेप, ऐड मटेरियल्स। जो भी आपके वीडियो से रिलेटेड, जो भी आपका टॉपिक से रिलेटेड, जो भी आपने मटेरियल डाउनलोड करके रखा हुआ है, चाहे वो इमेज हो गया, वीडियो क्लिप हो गई, चाहे टेक्स्ट हो गई, स्टिकर्स हो गया, जो भी चीज़ आप यहाँ पे ऐड करने वाले हो अपने वीडियो के अंदर, उसे कैसे ऐड करेंगे दोस्तों? उसे भी ऐड करना बड़ा ही सिंपल है। आप जिस तरीके से जो लाइनिंग देख रही थी आपको वीडियो के लेयर के ऊपर, आप उस लाइनिंग के हेल्प से जो है अपने वीडियो के अंदर जो भी चीज़ें रिमूव करना था उसके लिए यूज कर देते हैं। अब यहाँ पे हम इसी चीज़ को यूज करके जो भी चीज़ें हमें ऐड करना है यहाँ पे ऐड करना सीखेंगे अपनी वीडियो के अंदर। जहाँ भी कोई भी ईमेल, कोई वीडियो, टेक्स्ट ऐड करना है, सिंपल सा आपको स्लाइड करके उस लाइनिंग के पास लाना है। लाने के बाद आपको सिंपल सा लेयर पे क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद आपको मीडिया पर चले जाना है। वहाँ पे आपकी गैलरी खुल जाएगी, आप सिलेक्ट करके जो भी चीज़ें हैं, वीडियो क्लिप, कोई टेक्स्ट, कोई स्टिकर, कोई इमेज, जो भी ऐड करना चाहते हैं सिंपल सा ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस टॉपिक की लास्ट स्टेप, वो है ऐड बैकग्राउंड म्यूजिक। दोस्तों जब भी आप अपने वीडियो के अंदर बैकग्राउंड म्यूजिक लगाते हो तो आपकी वीडियो एक और लेवल ऊपर चली जाती है। यानी अगर आप अपने वीडियो के अंदर एक बैकग्राउंड म्यूजिक लगाते हो तो लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है, यानी काफ़ी पसंद होती है उस टाइप की वीडियोस। या अगर आप डांस वीडियो बनाते हैं तो आप सभी को पता है कि उसमें सॉन्ग्स लगाना पड़ता है बैकग्राउंड में, तो उसे कैसे लगाएंगे? तो दोस्तों उसे भी लगाना बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहले जब आप सारी वीडियो एडिट कर लोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑडियो का ऑप्शन मिलेगा, सिंपल से उस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आपको सॉन्ग्स में चले जाना है। जैसे ही जाएंगे तो आपके मोबाइल फोन में जो भी सॉन्ग डाउनलोड होगी या जो भी बैकग्राउंड म्यूजिक आपने डाउनलोड करके रखा हुआ है, सिंपल सा आप उसे ऐड कर लेना है। जब आप ऐड कर लोगे तो यहाँ पे देखिए, जब ऐड करते हैं तो हो सकता है कि आप जो वीडियो में बोल रहे हो वो चीज़ें नहीं सुनाई दे रही है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस वीडियो में मैं भी जो बोल रहा हूँ वो आपको क्लियर सुनाई दे रहा है और जो बैकग्राउंड में म्यूजिक भी चल रहा है। तो वो कैसे करेंगे? तो जैसे ही आपको सबसे पहले जो ऑडियो है, जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, सिंपल इस पर क्लिक करके सेलेक्ट करना है, और साइड में आपको एक ऑप्शन बहुत सारे खुल जाएंगे, तो वहाँ पे आपको एक मिक्सर का ऑप्शन मिलेगा। सिंपल इस पर क्लिक करके आप अपने बैकग्राउंड का जो ऑडियो है वो अच्छे से मिक्स कर सकते हैं अपने वीडियो के साथ, काफ़ी अच्छा लगेगा। आप उस तरीके से जो है काफ़ी अच्छे से जो है अपने बैकग्राउंड म्यूजिक को अपने वीडियो के साथ मिक्स कर सकते हो। तो दोस्तों इतना कर देने में जो है आपकी वीडियो एक लगभग वीडियो तैयार हो जाती है। आप इस वीडियो को एक्सपोर्ट करके किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो भी चीज़ें हैं मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई, आप इसी बेसिक चीज़ों को यूज़ करके काफ़ी अलग लेवल की वीडियो एडिटिंग कर सकते हो।